गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स, यानी कि जो रियल नंबर्स हैं उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। नाउ स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स एज यू नो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। दीज टाइप ऑफ नंबर्स हैव ईदर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब डिवीजन एंड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 2.5 लिया आपने, डेसिमल एंड हो गया, या 3.4652, बस 2 के बाद स्टॉप। दिस मीन्स दिस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हैज एंडेड। तो इस तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। या रैशनल नंबर्स हो सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग का मतलब होता है कोई एक नंबर बार बार आता है, या दो नंबर उसी ऑर्डर में बार बार, जैसे हमने किया 2.333 सो ऑन आता गया, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.3 के ऊपर बार, इसका मतलब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। या हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1.467, फिर से आया आपके पास 467, फिर से 467 467, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.467 और तीनों के ऊपर बार लगा दिया। ये बार जब हम ऊपर लगा देते हैं, इसका मतलब ये नंबर इसी ऑर्डर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये भी रैशनल नंबर्स ही होंगे। इरैशनल नंबर्स, इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगी डिवीजन, एंड भी नहीं होगी, और इस तरह से किसी ऑर्डर में नंबर्स रिपीट भी नहीं होंगे। तो नेवर एंडिंग डिवीजन होती है। अगर हमें कहा जाए कि आप अपने मन से कोई इरैशनल नंबर लिखें, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप अपने मन में कोई दो डिजिट सोच लीजिए। मान लीजिए मैंने ले लिया 1 और 3, तो अब कोई एक रिप्रेजेंटेशन लेना है, जैसे मैंने ले लिया 3.1, फिर 3, अगली बार 1 को 2 बार लिख दो 3, फिर 1 को 3 बार लिख दो 3, सो ऑन। तो इन दो डिजिट से ये एक इरैशनल नंबर बना दिया। हम यहाँ पे बार नहीं लगा सकते, अगर ये 1 3 1 3 1 3 होता तब हम बार लगा सकते थे, फिर यहाँ तो 2 बार वन आ गया, फिर यहाँ 3 बार वन आ गया, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं रिपीट हो रहा। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 3 1, अब 3 को 2 बार कर दिया, 3 को 3 बार कर दिया, ये एक दूसरा इरैशनल नंबर हो गया। इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। नाउ आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन तो यही आता है कि आप कोई रैशनल नंबर लिखने को कह दे, है ना, या कहीं किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में ही रैशनल नंबर लिखने को कह दे। जैसे अगर मैंने कहा होता, यहाँ पे क्वेश्चन होता 3 और 4 के बीच में लिखिए, तो देखिए 3 से ये दोनों नंबर्स बड़े हैं और 4 से छोटे हैं, तो यू कैन ईजिली राइट। देन रैशनल नंबर लिखना तो आप पहले ही सीख चुके हैं, वो तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया ही था। Between any two rational numbers, we can find infinite rational numbers. That was the first exercise of this chapter. And irrational numbers also, we can find infinite number of irrational numbers between any two given rational numbers. Now, next question is, you have given a decimal representation which is non-terminating repeating, and you have to find a rational number for it. Terminating decimal ka to aap aram se rational number find kar sakte hain, lekin ab hum seekhenge, jaise aapko maan lijiye diya hai 0.6 bar, ye aapka question hai. This is question number 3, first part. Aapko kaha jaye ki isko aapne ek irrational number ki tarah likhna hai. क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं कोई इरेशनल नंबर है x, ठीक है ना। लेट नीचे लिखते हो दोबारा से,
Let x is equal to 0.65. Now this x is a rational number. अब हमें ये 0.6 बार को रैशनल फॉर्म में यानी कि p upon q वाली फॉर्म में लाना है। पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि ये डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है सॉरी, इसको हम बार को शिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि ये एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ को। 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, 6.6 बार हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने से। लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड 10x इज इक्वल टू 6.6 बार इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ये क्या हो गया, देखिए 6.6 बार माइनस 0.6 बार, 6 बार से 6 बार तो कैंसिल ही हो गया, डेसिमल के बाद 0 आ गया, 6 अपॉन 0 इज 6। नाउ 10x में से x गया 9x, यहाँ आ गया 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, लोवेस्ट फॉर्म में ये हो गया 2/3। तो जो हमारा ये रैशनल नंबर था 0.6 बार, इट इज नथिंग बट 2/3। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिसे आपके बुक में दिया हुआ है 0.47 बार। अब 47 बार जब होगा तो आपने दो बार, यानी कि दो डिजिट्स है ना आपके डेसिमल के बाद, तो अब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तीन डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद बार के साथ तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर नंबर आए आपको, ये थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, एक 0.4 लेकिन 3 के ऊपर बार है ना, मतलब 4 तक तो ऐसे ही था, तो ये क्या लिया हमने, x को ले लिया 0.43 बार। पहले एक बार 10x करते हैं तो ये हो गया 4.3 बार, लेकिन इससे तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो दिस कैन बी रिटन एज 4.33 बार। एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 × 10x 10 × 4.3 बार, दिस गिव्स यू 100x माइनस 43.3 बार। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 बार और ये वाला 3 बार हमारा कैंसिल हो सकता है ना? Now what we do is, इसको हमने ऐसे करेंगे, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 43.3 बार माइनस 4.3 बार, तो व्हाट डू वी गेट, 90x। अब यहाँ देखिए, 43.3 बार माइनस 4.3 बार सब्ट्रैक्शन, ये तो कट गया, 43 में से 4 गया 39। एक्स इज इक्वल टू 39 अपॉन 90, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, अब आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 13 अपॉन 30। आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या हमारा ये जो नंबर है ये मिल रहा है हमें, तो 0.43 बार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा, एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।
क्या लोग लेटर की दे रहे हैं।